जय फ्रेंड्स, मेरा नाम अजीत सिंह और ये मेरा यूट्यूब चैनल है दद्दा की खरी खरी। आज 7 जुलाई है। आज कैप्टन विक्रम बत्रा का आज बलिदान दिवस है। आज के दिन 7 जुलाई 1999 में उनकी शहादत हुई थी साहब, कारगिल युद्ध में। और उस युद्ध में लगभग 527 हमारे सैनिक हताहत हुए थे। 527 ने अपना बलिदान दिया था और हजारों घायल हुए थे। 5 को परमवीर चक्र मिला, कुछ को महावीर चक्र मिला, कुछ को वीर चक्र मिला, कुछ को शौर्य चक्र मिला। सवाल है कि 5 को ही वीर चक्र क्यों मिला? वीरता तो सबने दिखाई थी, अपना सर्वस्व बलिदान तो 527 ने किया था, तो आखिर वीर चक्र के लिए 5 लोगों को ही क्यों चुना गया? ये जरा सोचने वाली बात है। देखिए, उस दिन जो लड़ाई हो रही थी ना, वो एक चोटी है 4875। 20 जून को इंडियन आर्मी ने 5140 नाम की एक चोटी कैप्चर की थी। तो साहब, ये 4875 थी, इस पे कब्जा करना ज़रूरी था, क्योंकि 4875 पे पाकिस्तान आर्मी की एक ऐसी फॉर्मेशन थी जो सीधे वहाँ से अपना जो श्रीनगर ले हाईवे है उस पर सीधे डायरेक्ट फायरिंग कर रही थी, और जब तक उसको हम पूरी तरह कंट्रोल नहीं करते तब तक ये हाईवे सुरक्षित नहीं था, और युद्ध तभी कंप्लीट माना जाता जब हम अपना हाईवे सुरक्षित कर लेते और सारी ऊंची चोटियों को छुड़ा लेते। तो तब 7 जुलाई से 3 दिन पहले ये 13 जैक जम्मू कश्मीर राइफल्स 13 जम्मू कश्मीर राइफल्स ये लड़ रही थी वहाँ पे, और 3 दिन पहले मतलब 4 जुलाई को इन्होंने उस पर अटैक किया और उस पर कब्जा कर लिया था। पाकिस्तानी वहाँ से नीचे चले गए थे और वो उस चोटी को पुनः कैप्चर करने के लिए पाकिस्तानी काउंटर अटैक कर रहे थे, और हमारी सेना वहाँ 3 दिन से लगातार लड़ रही थी बिना खाए पिए। तो वहाँ पे जो हमारे आर्मी की जो फॉर्मेशंस थी उसमें बहुत से लोग बलिदान हो चुके थे, 3 दिन से उन्होंने कुछ खाया पिया नहीं था और उनका एमिनेशन ख़त्म हो रहा था। सबसे बड़ी जो चिंता की बात थी ना, वो एमिनेशन ख़त्म हो रहा था। तो जब ये लड़ाई वहाँ टॉप पे चल रही थी तो उस वक्त कैप्टन बत्रा, उनको बुखार था और वो नीचे अपनी जो नीचे वाली जो पोस्ट थी उसमें एक टेंट में सोए हुए थे जब ये लड़ाई चल रही थी, और वहीं पे बगल वाले टेंट में सीओ साहब थे और वहाँ से वो पूरा लड़ाई का संचालन कर रहे थे, और वहाँ से ये देख रहे थे कि साहब सारी। तो जब ये सूचना आई कि हमारे पास एमिनेशन ख़त्म हो गया है, ख़त्म हो रहा है, और अब हम ज़्यादा देर तक इस पोस्ट को नहीं संभाल पाएंगे अगर हमें तुरंत एमिनेशन की रीइन्फोर्समेंट एमिनेशन नहीं आया तो। एंड कैप्टन बत्रा वॉज नॉट फिट, ही वॉज नॉट फिजिकली फिट, पर उन्होंने अपने सीईओ से कहा कि सर मैं जाऊंगा, तो उन्होंने कहा कि नो यू आर नॉट फिट, और अनफिट आदमी को मैं वहाँ युद्ध में नहीं भेज सकता। उसने बोला नहीं सर, मैं ठीक है, मैं चला जाऊंगा, डोंट वरी। तो तब कैप्टन बत्रा ने 25 आदमियों की एक टुकड़ी बनाई और वो ऊपर वाली सारी कंपनी को जो वहाँ लड़ रही थी
जो सेक्शन प्लाटून से ऊपर लड़ रहे थे उनको रिप्लेस करने के लिए कि जो घायल हैं उनको हम नीचे लेके आएंगे, उनके लिए हम राशन लेके जाएंगे जो ऊपर लड़ रहे हैं, और एमिनेशन लेके जाएंगे, और जो लोग ऊपर लड़ रहे हैं उनको हम रिप्लेस करेंगे, उनको हम नीचे भेज देंगे रेस्ट करने के लिए और अब हम लड़ेंगे। सब ये वहाँ पहुँचे और इन्होंने सफलतापूर्वक उन लोगों को इवैक्यूएट किया और वहाँ पे जो बंकर्स थे उनको ऑक्यूपाई कर लिया। तो इनके साथ एक लेफ्टिनेंट साहब थे, उनकी अभी सिर्फ 6 महीने की नौकरी हुई थी, उनका नाम था लेफ्टिनेंट नवीन नगप्पा, और उनके बंकर से मात्र 50 मीटर की दूरी पे पाकिस्तानी बंकर था, और मतलब ये लोग इतने नज़दीक थे कि ये लोग आपस में बातचीत कर सकते थे, बकायदा गाली गलौज होता था फुल, आजा तुझे देख लेंगे आजा, मतलब पूरा फुल। उधर से वो कहते थे आ गए काफिर आ गए, उधर से वो कहते थे या अली, ये कहते थे बजरंग बली, ये माहौल था। तो नवीन नागप्पा के बंकर में ना एक ग्रेनेड आके गिरा, वो सब ग्रेनेड जब गिरता है तो उसके बाद आपके पास सिर्फ 4 सेकंड होते हैं। तो कहता जब आपकी आपके सामने एक ग्रेनेड गिर जाए तो आप उस ग्रेनेड को उठा के वापस फेंको, या जैसे भी बच सकते हो बचो, अदरवाइज बचने के लिए कुछ होता नहीं है, 4 सेकंड इज टू लेस ऑफ अ टाइम। खैर नवीन के साथ 2 जवान और थे, उन्होंने वो ग्रेनेड उठा के फेंकने की कोशिश की, पर फेंकने के लिए हाथ पीछे जाएगा तब तो आगे आएगा ना, तो पीछे कहीं जगह नहीं थी हाथ उनका, मतलब वो ही कुड नॉट थ्रो इट, इन्होंने ऐसे करके फेंका, वो टकरा के वापस आ गया और वहीं उनके पैरों के पास फट गया और उनके दोनों पैर बुरी तरह, जब हैंड ग्रेनेड का जो जख्म होते हैं वो एकदम चीर देते हैं शरीर को, उनके दोनों पैर उड़ गए। तो जिस बंकर में ये थे उससे करीब 10 मीटर की दूरी पे एक दूसरा बंकर था, उसमें कैप्टन बत्रा थे, साथ में सूबेदार रघुनाथ थे, तो जब ये पता लग गया कि नवीन के दोनों पैर ग्रेनेड से उड़ गए हैं तो अब उनको, और साथ में 2 जवान और हैं, तो उनको इवैक्यूएट करना था उस बंकर से। तो सूबेदार रघुनाथ बोले कि सर मैं जा रहा हूँ, आप यहाँ रहिए, आप फायर मुझे कवर फायर दीजिए और मैं जाके उसको लेके आता हूँ। तो उन्होंने कहा कि नहीं, तू बाल बच्चेदार है, तू मुझे कवर फायर दे, मैं लेके आता हूँ। खैर साहब वो उस बंकर तक रेंगते हुए गए, नवीन को उन्होंने बकायदा वहाँ उनके शर्ट के कॉलर थे, क्योंकि नवीन तो दोनों पैर घायल थे, नवीन को उन्होंने खींचा और उस कंडीशन में भी नवीन को ये घसीट रहे थे, नवीन अपने कोनियों पे क्रॉल कर रहे थे और अपनी AK-47 से फायरिंग कर रहे थे साथ साथ। उधर से कैप्टन बत्रा के जो बंकर में जो लोग थे वो उनको कवर फायर दे रहे थे, और ये लेफ्टिनेंट नवीन को, नवीन नागप्पा, इनको खींचते हुए लेके आ रहे थे, वहाँ उनके सीने में गोली लग गई एंड ही डाइड ऑन द स्पॉट। तो सब एक होती कॉल ऑफ ड्यूटी, जैसे हम सब देश के अपना जितना हमारा सामर्थ्य हम सेवा कर रहे हैं, एक क्लर्क है वो अपने घर में बैठ के कर रहा है, उसकी कॉल ऑफ ड्यूटी है, वो अपने ऑफिस में कर रहा है, एक किसान है वो खेतों में काम कर रहा है, ये उसकी कॉल ऑफ ड्यूटी है, एक IAS अफसर है वो अपने ऑफिस में बैठ के काम कर रहा है, देश की सेवा कर रहा है, ये उसकी कॉल ऑफ ड्यूटी है। तो हम लोग ना उतना काम करते हैं जितना ज़रूरी हो, जिससे नौकरी बची रहे, जिससे तनख्वाह मिलती रहे, आमतौर पर हम लोग की यही नेचर है ना। पर सर जब एक आदमी कॉल ऑफ ड्यूटी से आगे जाके देश के लिए काम करने लगता है ना, तो
देन ही बिकम द एक्स्ट्राऑर्डिनरी। भाई कैप्टन बत्रा को ये कहने की क्या जरूरत थी कि नहीं तू नहीं मैं जाऊंगा, तू बाल बच्चेदार है। माना कि कैप्टन के बाल बच्चे नहीं थे, कैप्टन की शादी नहीं हुई थी, बट ही हैड ए गर्लफ्रेंड। जब वो चंडीगढ़ में एमए कर रहे थे ना, आईएमए में भर्ती होने से पहले, तो उनकी एक सहपाठी थी, उनका नाम था डिम्पल चीमा, एंड ही वॉज कमिटेड टू हर, और उनसे वादा करके आए थे। ये युद्ध से ना पहले होली पे घर गए थे, वहाँ वो मिली थी, तो उनसे वादा करके आए थे कि आऊँगा ज़रूर, डोंट वरी आऊँगा। उन्हें बोले कब होगी शादी, बोले आऊँगा, या तो जिंदा आऊँगा नहीं तो तिरंगे में लिपट के आऊँगा, पर आऊँगा ज़रूर, शादी तुझसे ही होगी। ऐसी कुछ कमिटमेंट्स भी थी। एक भाई था, दो बहनें थी, माँ थी, पिता थे, परिवार तो था ही इनका भी, पर इन्होंने कहा कि नहीं, तू यहाँ कवर फायर थे, जहाँ खतरा है वहाँ मैं जाऊँगा। फिर यहाँ पे ये कॉल ऑफ ड्यूटी से आगे बढ़ के जब आप काम करते, सर उस आदमी का इतना खौफ था युद्ध भूमि में कि पाकिस्तानियों ने, दे यूज़ टू कॉल हिम शेरशाह। उससे पहले जब उन्होंने एक चोटी फतेह की थी 51-40 20 जून को, तो इनके साथ थे कैप्टन अनुज नैयर शायद, उनका मैं नाम भूल गया हूँ। तो ये इन दो लोगों ने 51-40 पे दो तरफ से अटैक किया था। तो सीओ ने कहा कि जब चोटी फतह हो जाएगी तो तुम मुझे जो मैसेज भेजोगे तो वो एक कोड वर्ड होता है, तो वो क्या होगा? तो दूसरे साथी ने बोला था कि मैं बोलूँगा ओ या, तो विक्रम बत्रा ने कहा था ये दिल मांगे मोर। सर 51-40 फतेह करने के 10 दिन बाद दूसरी चोटी फतेह करने निकल गए थे, बुखार था फिर भी गए थे। सुबेदार रघुनाथ को भेज सकते थे फिर भी गए थे, सुबेदार रघुनाथ को नहीं जाने दिया था, खुद गए थे। उनसे जब पहले पूछा जाता था ना, तो वो कहते देखो जी हमें यहाँ फौज में एक ही चीज़ सिखाई जाती है, सबसे पहले देश की सुरक्षा, देश की आन बान शान, देश की इज्जत, उसके बाद अपने ट्रुप्स की, अपने सैनिकों की सुरक्षा, अपने सैनिकों की इज्जत, अपने सैनिकों की आन बान शान, उसके बाद खुद का नंबर आता है। सबसे पहले देश, फिर तुम्हारी टीम के तुम्हारे और साथी और सैनिक। तो सर जो फौज का अफसर होता है ना, उसकी इज्जत फौज बहुत करती है। जो 22 साल का लड़का होता है ना सर, जो सेकंड लेफ्टिनेंट भर्ती होता है सर, लेफ्टिनेंट, उसकी उम्र 22-24 साल होती है। कैप्टन बत्रा वॉज 24 ईयर्स, लेफ्टिनेंट नवीन नागप्पा वॉज 24 ईयर्स। उनके साथ जो लोग लड़ रहे होते हैं उनकी उम्र होती है 35-40 साल, 38 साल। लाइक सुबेदार रघुनाथ, उनकी उम्र कम से कम रही होगी 35-38 साल। 24 साल के लड़के को सर कह के बोलते हैं और उसकी एक एक हुक्म का पालन करते हैं। पता है क्यों? क्योंकि सर उनको ये मालूम होता है कि जिस दिन लड़ाई होगी ना सामने से, जिस दिन सामने से मौत आ रही होगी, जिस दिन सामने से गोलियाँ चल रही होंगी, जिस दिन सामने से LMG के बर्स्ट आ रहे होंगे, उस दिन ये आदमी मुझसे आगे चलेगा। तो फौज का अफसर कभी भी पीछे नहीं चलता, जो ऑफिसर है वो आगे चलेगा, बाकी सिपाही, बाकी JCO NCO जो भी होगा वो उसके पीछे चलेंगे। पहली गोली अफसर खाता है, शेर की मांद में सबसे पहले जो घुसता है वो अफसर होता है।
तो सर यहाँ थी कॉल ऑफ ड्यूटी से आगे जाके लड़ना, अदरवाइज सुविधा रघुनाथ को जाने देता, क्या जरूरत थी खुद जाने की। परिवार की चिंता नहीं की, अपने परिवार की चिंता नहीं थी, अपनी माँ की चिंता नहीं थी, अपनी फैंसी की चिंता नहीं थी, सुबेदार रघुनाथ के बच्चों की ज्यादा चिंता थी। दैट इज कॉल्ड OLQ। जब कहते हैं फौज में आप भर्ती कैसे करते हैं, तो सर वो फौज में बोलते हैं कि ऑफिसर लाइक क्वालिटीज, हजारों लड़के आते हैं उसमें एक ही क्यों भर्ती होता है, हजारों लड़कों को फौज रिजेक्ट कर देती है, किसी एक को चुनती है। वो उस वक्त पता है क्या देखते, मैंने कई अफसरों से पूछा कि आखिर क्या देखते हो यार एक फौजी में, तुम लोग एक अफसर में क्या देखते हो, तो कहते थे ऑफिसर लाइक क्वालिटीज होते। मैंने कहा व्हाट आर दीज ऑफिसर लाइक क्वालिटीज, तो वही कि तू नहीं मैं आगे जाऊंगा। और OLQ वो होती है कि जब सामने साक्षात मौत खड़ी होगी तो ये आदमी कैसे बिहेव करेगा। कैप्टन बत्रा उस दिन खुद बैठे रहते बंकर में, लड़ाई तो चल ही रही थी, उसे एक दिन पहले जब वो बुखार में थे लेटे रहते टेंट में, बट नहीं, उनको उस चोटी पे जो उनकी रेजिमेंट का एक अफसर और 8 जवान जिसमें से 3 घायल थे, जिन्होंने पिछले 3 दिन से खाना नहीं खाया था, जिनकी गोलियां बंदूक गोलियां बारूद, जिनका एमिनेशन ख़त्म हो रहा था, उस टेंट में लेटे हुए बुखार में भी उस आदमी को उनकी चिंता थी। दैट मेक्स एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ऑफिसर, दैट मेक्स एन जेंटलमैन। सर आज 1999 से लेके अब तक 22 साल हो गए, आज की जो नई पीढ़ी है ना, ये 1999 में बहुत से लोग जो आज इस वीडियो को देख रहे हैं वो शायद पैदा भी नहीं हुए होंगे 1999 में। और ये जब हम ये कारगिल विजय दिवस मनाते हैं या जब हम अपने अमर हुतात्माओं को, इन अमर बलिदानियों को याद करते हैं, तो इससे पीछे हमारा उद्देश्य होता है कि हम अपनी नई पीढ़ी में को ये लेसन दे सकें कि देश के लिए ना कॉल ऑफ ड्यूटी से आगे जाके काम करने की ज़रूरत होती है, तब एक देश महान, जब उसके सभी नागरिक कॉल ऑफ ड्यूटी भूल के उससे आगे जाके परफॉर्म करते हैं, तब वो एक देश एक महान देश होता है। आज अगर कैप्टन बत्रा जीवित होते तो उन्होंने वो मेजर जनरल VP मलिक ना, उनकी शहादत के बाद उनके घर आए थे पालमपुर में, उन्होंने एक बात कही थी कि अगर ये लड़का इस युद्ध से जीवित वापस आता, ही वॉज सो ब्रेव एंड ही वॉज सच अ लीडर, उन्होंने कहा था कि अगर ये लड़का इस युद्ध से वापस आता तो आज से 20 साल बाद ये चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ होता। कैप्टन बत्रा अगर आज जिंदा होते ना तो आज हमारे आर्मी के बहुत सीनियर जनरल होते, सोच के देखिए, लेफ्टिनेंट जनरल विक्रम बत्रा। तो साहब देश के नागरिकों के लिए एक ही संदेश है कि देश महान तब बनेगा जब हम लोग कॉल ऑफ ड्यूटी से आगे जाके काम करेंगे। कैप्टन विक्रम बत्रा जैसे लोग हमारे आदर्श होंगे, वो हमारे प्रेरणा स्रोत बने रहेंगे। आज कैप्टन बत्रा के इस बलिदान दिवस पे उन तमाम अमर शहीदों को जो इस देश की रक्षा में जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी, हम सबको ये श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। ये सीरीज ऐसे ही चलती रहेगी,
बहुत जल्दी मिलते हैं अगले एपिसोड पे। थैंक यू वेरी मच।